और उत्तर प्रदेश में आज मतदान हो रहा है। पहले चरण का मतदान जारी है। 11 जिलों की 58 सीटों पर यह मतदान जारी है। शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। कई जिलों से हालांकि ईवीएम खराब होने के मामले भी सामने आए हैं। आगरा, अलीगढ़, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर के तमाम बूथों पर देरी से मतदान शुरू हो सका है। तो 11 बजे तक आगरा में जो मतदान का प्रतिशत है वो 20.42% रहा है। 11 बजे तक ही अलीगढ़ में 17.91% मतदान हुआ है, जबकि बागपत में 22.77% मतदान हुआ है। बुलंदशहर में 21.62% मतदान 11 बजे तक हुआ है। गौतम बुद्ध नगर में 18.43% मतदान हुआ है। गाजियाबाद में 17.26%, जबकि हापुड़ में 22% मतदान हुआ है। मथुरा में 20.39%, जबकि मेरठ में 18.92% मतदान रहा है। मुजफ्फरनगर में वोटिंग परसेंटेज काफी तेज दिखाई दे रहा है। यहां पर 22.56% मतदान 11 बजे तक हुआ है। शामली में भी 22.84% मतदान हुआ है। तो वोटरों ने अब तेजी दिखानी शुरू कर दी है और मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथों पर पहुंच रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है और कई बड़े नेताओं ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। सपा और भाजपा के बीच सीधी लड़ाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है और मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाता बूथों पर पहुंच रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि दोपहर बाद मतदान के प्रतिशत में और तेजी आएगी और शाम तक अच्छी खासी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए दिखाई देंगे। 11 जिलों की 58 सीटों पर यह मतदान जारी है। शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। कई जिलों से हालांकि ईवीएम खराब होने के मामले भी सामने आए हैं। आगरा, अलीगढ़, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर के तमाम बूथों पर देरी से मतदान शुरू हो सका है। तो 11 बजे तक आगरा में जो मतदान का प्रतिशत है वो 20.42% रहा है। 11 बजे तक ही अलीगढ़ में 17.91% मतदान हुआ है, जबकि बागपत में 22.77% मतदान हुआ है। बुलंदशहर में 21.62% मतदान 11 बजे तक हुआ है। गौतम बुद्ध नगर में 18.43% मतदान हुआ है। गाजियाबाद में 17.26%, जबकि हापुड़ में 22% मतदान हुआ है। मथुरा में 20.39%, जबकि मेरठ में 18.92% मतदान रहा है। मुजफ्फरनगर में वोटिंग परसेंटेज काफी तेज दिखाई दे रहा है। यहां पर 22.56% मतदान 11 बजे तक हुआ है। शामली में भी 22.84% मतदान हुआ है। तो वोटरों ने अब तेजी दिखानी शुरू कर दी है और मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथों पर पहुंच रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है और कई बड़े नेताओं ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। सपा और भाजपा के बीच सीधी लड़ाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है और मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाता बूथों पर पहुंच रहे हैं।